टाइम? इतनी रात को तूने फोन किया, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? वर्षु, मुझे मुझे तेरी मदद चाहिए वर्षु। हाँ एक मिनट वर्षु, आज आज वंदिता आई थी घर पर, अजीत और रसिका काकी भी उसके साथ आए थे। मुझे पता था वो नालायक अजीत ऐसा ही कुछ करेगा। वर्षु, मैंने इस बारे में कुछ सोचा है, अगर तू मेरी मदद करे तो। हाँ ताई बोल ना। ठीक है ताई। वर्षा बोल रही हूँ, आपसे एक जरूरी काम था, आपके घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी आइए। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि आपकी सच्चाई का, आपकी गलतियों का पता चल गया है। कौन सी गलतियां? ये क्या बोले जा रही है तू? कल जो अपने वंदिता को गहने पहनाए थे ना, उसके पीछे छुपी हुई मार और अन्याय के निशान देख चुके हैं सब लोग। वो तो कल ताई को घाव दिखाई दिए, इसलिए सब कुछ सामने आ गया, वरना आपने तो इतनी सी कसर भी नहीं छोड़ी थी सब कुछ छिपाने में। मैं आपको यहाँ सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि अगली बार आप वंदिता को गहने जरूर पहनाएं, लेकिन निशान छुपाने के लिए नहीं, क्योंकि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ नहीं सीधा महिला समिति की ऑफिस में जाऊंगी। हेलो। अच्छा वो फोन आपने ही उठाया, मुझे आपसे ही काम था। हाँ बोलिए ना। आपको तो याद है ना, वर्षा के सगाई के दिन अर्चना के आई ने आपका और बाबा का अपमान करके आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था। वो कैसे मैं भूल सकती हूँ? और इसीलिए तो आपने अर्चना के सामने शर्त रखी थी ना, जब तक वो आपके घर में रहती है तो ना वो अपने मायके जा सकती है, ना ही उसके मायके से आपके घर कोई आ सकता है। हाँ। मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी वो शर्त टूट गई है। मंजूषा और विनोद आपके घर खाना खाने आए थे। मंजू का तो ठीक है, वो अजीत की बहन है, लेकिन विनोद वहाँ क्यों आया था? अरे लेकिन वो भी आपका दामाद है ना। वो वहाँ मेरे दामाद के हैसियत से नहीं आया था ताई, वो आया था आपको नीचा दिखाने के लिए। फिर एक बार अर्चना के घर वालों ने आपका जानबूझकर अपमान किया है, अरे आपको तो उसका करारा जवाब देना होगा। मतलब क्या करना होगा मुझे? निकाल दीजिए अर्चना को अपने घर से। क्या शर्त रखी थी मैंने? यही कि जब तक मैं इस घर में हूँ ना ही कोई मेरे मायके से आ सकता है और ना ही मैं उन लोगों से मिल सकती हूँ, और अगर कभी भी वो यहाँ आते हैं तो आप भी मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। शाबाश, जो शर्त रखी थी उसको तूने तोड़ दिया, बराबर। तो मुझे तुझे बताना जरूरी है कि आज तुझे क्या करना चाहिए। आई तुझे अच्छी तरह पता है, अर्चना ने विनोद और मंजूषा को इस घर में नहीं आने दिया था। अरे उसने तो अपनी आई और बहन को नहीं आने दिया यहाँ पे। तू बीच में तरफदारी नहीं करेगा,